नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में 22 साल की छात्रा के साथ गैंगरेप व हत्या के बाद पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जिले के भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव ने पीड़ित के माता पिता से मिलने उनके घर पहुंचे, जहां पर उन्होंने माता पिता से आश्वासन दिया कि बहन को न्याय जरूर होगा और इसी के साथ आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। पहले हाथरस, फिर बलरामपुर और भदोही, फिर बुलंदशहर गैंगरेप हत्या को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में आक्रोश है। वही घटना को लेकर छात्रा के घर भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव कमल वालिया हजारों कार्यकर्ता के साथ पहुंचकर पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग की। कमल वालिया पीड़ित परिवार के माता पिता से बात किए, आश्वासन भी दिए कि एक बहन के साथ न्याय होगा। सीओ एसडीएम को बुलाकर गुनाहगारों को पकड़कर सख्त से सख्त शब्द से जल्द लोगों को गिरफ्तार कर कार्रवाई करे, नहीं तो भीम आर्मी सड़कों पर उतरकर बहन को न्याय दिलाने का काम करेगी। प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर प्रहार किया। एक क्रिकेट की हार टूट जाता है तो ट्वीट करके प्रधानमंत्री अफसोस जताते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में बहन के ऊपर गैंग होता है, हत्या होता है, उन पर उनकी जुबान में ताला लग जाता है, एक ट्वीट तक नहीं करते। योगी सरकार चलाने के लायक नहीं है, योगी को इस्तीफा देना चाहिए और जाकर किसी मठ में बैठकर पूजा करें, सरकार चलाने लायक नहीं है। लड़की के पिता लड़की के नाना से जब मीडिया से सवाल पूछा कि क्या आप इस कार्रवाई से संतुष्ट है, तो लड़की के नाना पिता ने कहा कि जिले की प्रशासन हमारे साथ है और 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, हम संतुष्ट है, हमें पूरा विश्वास है कि वह सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और मुजरिम को गिरफ्तार कर जेल भेजेंगी। लड़की के नाना और पिता का कहना है कि जो असली मुजरिम होगा उसे गिरफ्तार कर फांसी की सजा को, हमारी बिटिया को न्याय मिले और इसमें कोई निर्दोष जेल ना जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। आप घबराइए मत, कोई अधिकारी आपको प्रेशर दे रहा है, कुछ दबाव दे रहा है, हाँ आप डरिए मत, बीमार में आपके साथ है, ये देश का संविधान देता है मैं आजादी अपनी बात कहने की, अपने बहनों के सम्मान के लिए लड़ने की, तो आप डरिए मत बिल्कुल भी। आज बीमार में पूरा परिवार आपके साथ है, इसलिए आपके पास चल कर गए हैं। जी जी, मैं निरंतर यहाँ आता रहता हूँ, पीड़ित परिवार से हमारी बात होती रहती है, ये लोग प्रशासन से बहुत ही संतुष्ट हैं, अच्छे से कार्रवाई हो रही है, 2 लोगों को तुरंत जेल भेज दिया गया, अभी भी 4 लोगों को पकड़ के पूछताछ जारी है और निरंतर इस पे काम चल रहा है। कप्तान साहब हमारे बहुत ही तेज हैं, उन्होंने एक टीम का भी गठन किया है इस पे और बाकी सब कुछ सही है। अगर इसमें ढिलाई बरता जाता तो क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल ढिलाई नहीं बरती जाएगी, योगी जी का सरकार है, ढिलाई नहीं बरती जाएगी। यदि अगर ढिलाई बरती जाती है तो मैं पार्टी के खिलाफ विद्रोह करूंगा। सरकार बीजेपी सरकार इस देश में आई है, जब से हमारी बहन बेटे बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन कमाल की बात यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री आज भी चुप हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी का हाथ टूट जाता है तो तुरंत ट्वीट करते हैं, लेकिन आज इस देश में 3 बेटियों के साथ, 4 बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री आज भी चुप है, आखिर क्यों? आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार में हमारी बहन बेटियाँ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। मैं प्रशासन की कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं और मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि बिल्कुल जो जिन्होंने गुनाह किया है इसमें निर्दोष कतई जेल ना जाए और जिन्होंने गुनाह किया है वो लोग बिल्कुल बक्सर में जाएं। इसमें 4 लोग जेल जा चुके हैं, हमारी सीओ साहब से और एसडीएम साहब से बात हुई है, इसमें 4 लोग जेल जा चुके हैं, लेकिन अभी तक जो लड़की के भाई ने बताया है कि अभी तक जिन लोगों ने बलात्कार किया है वो लोग अभी तक खुले घूम रहे हैं। तो क्या लड़की के भाई ने उन लोगों का नाम भी बताया है आपसे? कौन नाम अभी तक नहीं बताया है, वो कह रहे हैं हमें नाम नहीं पता है, लेकिन हमारा संदेह यह है, संदिग्ध है कि जो जिन लोगों ने वास्तविकता में बलात्कार किया वो लोग अभी तक जेल नहीं गए हैं। तो संदिग्ध में भी उन्होंने लिख करके थाने पे दिए हैं या नहीं? हाँ वो बता रहे हैं, नाना जी बता रहे हैं, लड़की के नाना जी है, हाँ वो बता रहे हैं कि हमने 3 नाम लिख के दिए हैं और टोटल नहीं, वैसे संदिग्ध में दिए हैं, संदिग्ध में दिए हैं, तो 4 लोग जेल गए हैं। लेकिन आपको बता देना चाहता कि जब तक ये यूपी सरकार इस देश में रहेगी, इस राज्य में रहेगी, जब तक हमारी बहन बेटे सुरक्षित नहीं है, ये सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है। इस राज्य सरकार को, योगी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये सरकार, ये राज्य चलाना योगी के बस की बात नहीं है, वो जाकर के किसी मंदिर में बैठे हैं, क्योंकि अब यहाँ ये देश संविधान से चलता है, ये देश संविधान से चलता है और बिना संविधान के कुछ नहीं होने वाला। हमें इस देश का संविधान आज़ादी देता है कि हम लोग अपनी बहन बेटों की आवाज़ उठाएं, और ये सरकार बिल्कुल अंधी हो चुकी है। इस देश के प्रधानमंत्री चुप हैं, इस राज्य के मुख्यमंत्री चुप हैं, एक ट्वीट तक नहीं करते, 3 बेटों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनकी हत्या की जा रही है,
उनके दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।